नमस्कार दर्शकों, मैं सुस्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, सितारों का क्या कहना है हमारे लिए आज। तो मेष राशि वालों से करेंगे हम शुरुआत। मेष राशि वालों, आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मानसिक रूप से आप बहुत ही यहाँ पर संतुष्ट और खुशी को अनुभव करते हुए नजर आएंगे। मित्रों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। विचारों में आज कई सारी उथल फुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई सारे विचार आपके मस्तिष्क में आज घूम रहे होंगे। डिसीजन लेने में थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर बात करें हम आज के लिए, तो दिन आपका शुभ है, शुभ फलों को देने वाला है। बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए कि इनके लिए दिन कैसा रहने वाला है। दिन आपके लिए आज मध्यम फल देने वाला है। घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। मनोकामना पूर्ति का दिन है। इतने समय से आपकी जो इच्छा रुकी हुई थी, आज वो मनोरथ आपका जो है वो पूर्ण हो जाएगा। अच्छे कार्यों की तरफ आपका रुझान रहने वाला है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान रहने वाला है। हाँ, किसी खास व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण मन जो है वो प्रसन्न बना रहेगा आपका। मिथुन राशि वालों की बात करते हैं, दिन कैसा है इनके लिए। तो देखिए, दिन आज आपको काफ़ी तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा दिन के साथ में, क्योंकि दिन का कुछ हिस्सा आपके लिए शुभ भी है तो कुछ अशुभ भी। सुबह से लेकर दोपहर तक का जो समय है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। दोपहर तक तनाव हावी रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से आज हताशा की भावना और अपने काम से ही उलझन महसूस करेंगे आप। लेकिन दोपहर जहां ख़त्म हुई नहीं, आपके दिन की एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिखाई देगी। आपकी यहां पर जो इनकम है वो बढ़ने वाली है। आय के स्रोत जो हैं वो आपको यकायक महसूस होगा कि आपकी आय एकदम से यहां पर बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं यहां पर बिजनेसमैन के, जिनके बिजनेस से रिलेटेड जिनका सेल बिल्कुल डाउन था दोपहर तक, सडन दोपहर के बाद ही वो एकदम से यहां पर बढ़ने वाला है। उसके बाद उनका समय यहाँ पर अच्छा है और चेहरे पर हम इनके उसके बाद मुस्कान ज़्यादा दिखने वाली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो देखिए, दिन जो आपके लिए है वो सकारात्मक फल देने वाला है। सितारों का कहना है कि खर्चे आज ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा के चले आज आप, तो विवादों को टाल सकते हैं, क्योंकि दिन में विवाद थोड़ा दिख रहा है, लेकिन आपकी सूझबूझ उस विवाद को टालने में भी यहाँ पर काफ़ी मदद देने वाली है। इसीलिए दिन जो है वो सकारात्मक परिणाम देगा आपको। हम बात करते हैं यहाँ पर सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, दिन जो है वो काफ़ी अच्छे फलों को देने वाला है। ऐसा दिन है जो आपके आपके लक्ष्यों को प्राप्त करा के आपको कामयाबी की ओर आगे ले जाएगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए तरक्की का दिन है। यूं समझ लीजिए कि आज का किया हुआ काम भविष्य में आपके लिए उन्नति देने वाला है। सफलता के अच्छे योग भविष्य में बन रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, दिन जो आपके लिए है वो मिला जुला फल देने वाला है। मन में थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ा भय बना रहेगा भविष्य को लेकर। प्रसन्न तो रहेंगे आप, खुश तो रहेंगे, लेकिन भविष्य को लेकर थोड़े से डरे हुए भयभीत भी यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका किया हुआ निवेश ऐसी स्थिति में होगा जो आपको भय में डाल रहा है कि कहीं उसमें नुकसान ना हो जाए। तो यही भय जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों, दिन आज अच्छा फल नहीं देने वाला है। गुस्से पर नियंत्रण रखें। परिवार वालों के साथ आज विवाद यहाँ पर संभवतः होगा। कड़वी बातों को नज़रअंदाज कीजिएगा, नहीं तो अपने स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपके बढ़ जाएंगी। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर आप चिंतित नजर आने वाले हैं। आर्थिक मामले और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। पुराने मित्रों के साथ में मुलाकात हो सकती है और रिश्तेदारों का भी आना जाना आज संभव है कि हो जाए घर में। धनुराशि, धनुराशि वालों, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हाँ, मकान से संबंधित या वाहन से संबंधित आप खरीदारी का सोच रहे हैं तो दिन शुभ नहीं है, वहाँ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। परिवार के सदस्यों के साथ में भी कोशिश कीजिए, थोड़ा समय निकालिए, उनके साथ में भी समय को बिताने का प्रयास कीजिए। हो सके तो आज कहीं बाहर घूमने चले जाइए अपनी फैमिली वालों के साथ में, तो परिवार की कुछ शिकायतें आपसे कम हो सकती हैं, क्योंकि काम के कारण आप सबसे ज़्यादा अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अपने परिवार को, जिसके कारण परिवार वालों की नाराज़गी भी आप इतने समय से यहाँ पर सुनते आ रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों, दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है।
कानूनन मामलों में सफलता यहाँ आपको प्राप्त होगी। नया कोई काम शुरू करना जा रहे हैं, नया कोई प्रयोजन आप यहाँ पर करने वाले हैं शुरू, तो ऐसे में उसको अगर आप सुचारू रूप से अमल में लाते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे और उन्नति के द्वार भी आपके लिए खुल जाएंगे। सहजता सरलता से आगे बढ़िए, आप अपनी पूरी सकारात्मक सोच अपने काम के प्रति लगा दीजिए, तो ऐसे में यूं देखा जाएगा कि आप अपने कामों में उन्नति करते हुए ही नजर आएंगे, दिन ऐसा कह रहा है। मौसम के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों देखिए, कारोबार में यह मुनाफा देखने को मिलेगा, वो भी जितना आपने सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा। साझेदारों के साथ में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें यहाँ दिक्कत आ सकती है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा दिन रहेगा। साझेदारों के साथ में यह विवाद देखने को मिलेगा, वहां पर आप कोशिश करें कि यह विवाद जितना टाल सकते हैं उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। मानसिक रूप से हल्का फुल्का तनाव यहाँ पर आज आपको देखने को मिल सकता है, अन्य दृष्टि से दिन जो है वो शुभ परिणाम आपको देने वाला है। मीन राशि, मीन राशि वालों यहाँ पर आज आपके मित्रों के साथ में विवाद की स्थिति बन रही है, या फिर आपके रिश्तेदारों के साथ में भी विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, दिन शुभ पारिवारिक मामलों में नहीं दिख रहा है। खान पान का विशेष यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार की दुर्घटना भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं है। सभी क्षेत्रों में दिन जो है वो अशुभ परिणाम ही देने वाला है आपको। कानूनन मामले भी यहाँ पर विलंबित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऑल ओवर मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आज हमने जाना था चतुर्थ भाव के बारे में कि चतुर्थ भाव हमारे बारे में हमें क्या बताता है, सुख बताता है, दुख बताता है, यूं समझ लीजिए जीवन का लगभग पूरा सार जो है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। आपके मन में भी सवाल है अपने मकान से संबंधित, अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं, या फिर आप जोधपुर के बाहर रहने वाले हैं तो आप हमसे टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ से आप हमसे अपॉइंटमेंट करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं पेड कंसल्टेंसी के साथ में। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा, कल हम जानेंगे पाँचवें भाव के बारे में कि पाँचवा भाव हमारे बारे में क्या कहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे प्रेम करेगा या नहीं करेगा, आपके संतान से आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपके संतान के बारे में जानकारी, ये सब कुछ देता है पंचम भाव। जानना चाहते तो देखेगा हमारा कल का प्रोग्राम कि पांचवा भाव कैसे हमें हमारी संतान, हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ बता देता है। नमस्कार।